हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम चॉकलेट ट्रे को रियूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चॉकलेट के डिब्बे को चारों तरफ से इस तरह से खोल लूंगी, इधर तरफ से भी। कैंची की सहायता से कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने डिब्बे के फेविकोल लगा के मैंने डिब्बे के दोनों साइड्स को इस तरह से चिपका लिया है। इसके बाद डिब्बे के एक साइड पर फेविकोल लगाकर मैं व्हाइट पेपर चिपका दूंगी। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने व्हाइट पेपर चिपका लिया है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ पे मैं ग्लू गन से ग्लू लगा लूंगी। ग्लू लगाने के बाद स्प्रे को इसके ऊपर अच्छे से रख के चिपका दूंगी। मैंने अच्छी तरह से इसको चिपका लिया है। अब स्केल की सहायता से मैं इसको नाप लूंगी। ये हमारा 1 इंच है, तो फोम शीट को भी मैं 1 इंच की चौड़ाई में कट कर लेती हूँ। कट कर लेने के बाद मैं यहाँ पे ग्लू लगा लूंगी दोनों साइड पर। ग्लू लगाने के बाद इसको कुछ इस तरह से हम चारों तरफ चिपका देंगे। बहुत सावधानी से करिएगा। इस तरह से हम चारों तरफ चिपका देंगे। इस तरह से चारों तरफ चिपकाने के बाद अब मैंने यहाँ पे पिंक फोम शीट लिया है। इसको भी हम 1/2 इंच की चौड़ाई में कट करके चारों तरफ चिपका देंगे। इसको भी मैंने अच्छे से चिपका लिया है। अब हम इसके बैक साइड पर आते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ढक्कन ले लिया है, तो उसको कुछ इस तरीके से मैं ग्लू गन की सहायता से चिपका लूंगी। इस तरह से चिपकाने के बाद हमारे ये बॉक्स बनके रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से। आप इसको इस तरह से अपने बच्चों के स्टेशनरी के सामान को रखने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने डेली यूज के सामानों को रखकर इसका यूज कर सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही अच्छा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।